साधारणतः शिक्षक जो शब्द इस्तेमाल करते हैं वो पाठ्यक्रम करते हैं उनके आए दिन, पाठ्यचर्या शब्द शिक्षकों के द्वारा इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो इसके अंतर को समझना पड़ा। इसको भी आप दो तीन अंदाज में देख सकते हैं। एक तो आप इसको हमारे यहाँ पे शिक्षा पे ऐतिहासिक दृष्टि से कैसे सोचा गया है उधर से भी देख सकते हैं, और वास्तव में तो यदि शिक्षक पाठ्यक्रम का जिक्र करने लगे हैं तो भी ये भी विकास ही है, क्योंकि मूलतः तो पाठ्य पुस्तक में सब कुछ समाहित होने की तो बात है। फेमस जुमला है, सिलेबस खत्म करना है, पाठ्यक्रम खत्म करना होता है। हाँ, लेकिन वहाँ पाठ्यक्रम का भी जो मतलब है वो किताब के सारे पाठ पढ़ा देना, तो पाठ किताब में और उनका क्रम भी किताब में कवर में बंधा हुआ है और उस क्रम को पूरा कर देना, यहीं तक है। मुझे नहीं पता कि कितने शिक्षक लगभग 10 वर्ष पहले किसी पाठ्यपुस्तक के अलावा किसी और दस्तावेज की कल्पना करते थे पाठ्यक्रम के रूप में, करते होंगे लेकिन ठीक से नहीं पता मुझे। तो वास्तव में अंग्रेजी में एक और शब्द है सिलेबस, और पाठ्यक्रम जब बात करते हैं हिंदी में तो अमूमन सिलेबस की बात करते हैं। पाठ्यक्रम और करिकुलम में या पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में जो मूल फर्क है वो ये है कि पाठ्यचर्या या शिक्षाक्रम जैसे राजस्थान में काम में लेते हैं, वो शिक्षा के उद्देश्य और उसमें किस प्रकार के विषय पढ़ाए जाएं और उनमें सामग्री चुनाव करने के क्या मोटे मोटे सिद्धांत काम में लें, शिक्षण विधि के कौन से मोटे मोटे सिद्धांत काम में लें, मूल्यांकन के लिए कौन से मोटे मोटे सिद्धांत काम में लें, किस प्रकार की सामग्री काम में लें, इसके ऊपर कुछ गाइडलाइंस लिखी होती हैं और आगे उसको कैसे विस्तारित करेंगे उसके कुछ उदाहरण हो सकते हैं। तो ये जो दस्तावेज है ये करिकुलम है। अब इसके आधार पर आप थोड़ा ज्यादा डिटेल दस्तावेज बनाएंगे, जिसमें अब आपने एक विषय लिया गणित, तो अब आप ये कहेंगे कि गणित की पढ़ाई 5 साल के बच्चे के लिए कहाँ से शुरू हो, पहले क्या पढ़ाएं, फिर क्या पढ़ाएं, उसके बाद क्या पढ़ाएं, और पहली कक्षा में गिनती कहाँ तक सिखाएं, दूसरी में कहाँ तक सिखाएं, ये जो डिटेल और क्रम और इसके लिए सामग्री का काम है ये पाठ्यक्रम या सिलेबस का काम है। तो ये जो डिटेल है ये करना अब राज्यों का या स्कूलों का काम है, ये मान के चला गया इसमें। तो वास्तव में फिर हमारे भारत में जो स्थिति है उसमें फिर हम 3 शब्द काम में लेते हैं, पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो सारे राष्ट्र के लिए एक मूल सिद्धांतों वाला दस्तावेज है और जिसमें हमारी राजनीतिक सामाजिक सरोकार, शिक्षा के उद्देश्य, लोकतंत्र से शिक्षा का संबंध, इस प्रकार की बातों की मोटी मोटी बात की जाती है। फिर हर राज्य को एक पाठ्यचर्या बनानी होती है कि अब इस पाठ्यचर्या की रूपरेखा के आधार पर राजस्थान की क्या पाठ्यचर्या होनी चाहिए, क्योंकि उनकी कुछ खास परिस्थितियां हो सकती हैं। तो करिकुलम फ्रेमवर्क, और ये अब दूसरा करिकुलम बनाना होता है, और फिर इस करिकुलम के आधार पर आप सिलेबस बनाते हैं या पाठ्यक्रम बनाते हैं, और फिर करिकुलम पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम के आधार पर आप पाठ्यपुस्तक बनाते हैं और शिक्षक का प्रशिक्षण करते हैं, तब जाके बात कक्षा में विधिवत शुरू हो सकती है। ये अलग बात है कि हम इस प्रक्रिया को कितना शॉर्टकट कर देते हैं या इसकी क्या समस्याएं होती हैं, वो हम आजकल कर क्या रहे हैं ये भिन्न बात है। इस दृष्टि से देखें तो ये तीनों अवधारणाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं और इनके ऊपर अच्छी चर्चा होनी चाहिए, शिक्षकों को ये भेद पता भी होना चाहिए और इनको उनको अपनी योजनाओं में इसको काम में भी लेना चाहिए। तो ये अगर हम ऐसा कहें कि एक शिक्षक, एक प्राइमरी स्तर का जो शिक्षक है, तो मुझे लगता है उसके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण दस्तावेज तो उसकी पाठ्यचर्या है, न कि पाठ्यचर्या की रूपरेखा। तो
पाठ्यचर्या की रूपरेखा शिक्षक क्यों पढ़े, उसमें एक शिक्षक के लिए क्या है? उसकी तो ज्यादा रुचि सहज ही उसमें आ जाएगी कि उसके स्टेट ने क्या पाठ्यचर्या बनाई है या फिर पाठ्यक्रम और पुस्तकें, वो पाठ्यचर्या की रूपरेखा क्यों? तो ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप शिक्षक, पहली बात तो आप शिक्षा से क्या समझते हैं और दूसरी बात आप शिक्षक से क्या समझते हैं, इस बात पर निर्भर करेगा इस सवाल का जवाब। यदि शिक्षा से हम सिर्फ इतना ही आशय लेते हैं कि या तो पढ़ना लिखना सिखा दें या आजकल जिसको 21st century स्किल्स कहते हैं वो सिखा दें और कुछ काम धंधा करने लगे, और शिक्षक से हम एक ऐसे इंसान की कल्पना करते हैं कि जिसको किताब दे दी और ये बता दिया कि जाइए कक्षा में और ये पढ़ा दीजिए और इसके अलावा आपका कुछ सोचने वोचने का काम नहीं है, तो आप एकदम ठीक कर रहे हैं। लेकिन यदि आप शिक्षा को थोड़े व्यापक नजरिए से देखते हैं जिसमें एक बहुत क्या कहना चाहिए, सक्रिय लोकतंत्र में विवेकशील नागरिक की बात कर रहे हैं या अपनी जिंदगी में खुद राह ढूंढने वाले इंसान की बात कर रहे हैं, तो फिर आप शिक्षा में इस प्रकार की चीज़ों में मदद करेंगे जिसमें बच्चे खुद सोच सकें, उनका क्रिटिकल नज़रिया बन सके। यदि उस दृष्टि से शिक्षा को देखेंगे तो फिर ऐसा व्यक्ति ये शिक्षा नहीं कर सकता जो उसके मूल सिद्धांतों को या इंसानी सरोकारों को या सामाजिक और लोकतंत्र से शिक्षा के जो सरोकार हैं उनको ठीक से न समझे। और इसलिए पाठ्यचर्या और इन सरोकारों का समझना शिक्षक के लिए बहुत लाजमी हो जाता है। ये बहुत निर्भर करेगा इस बात पे कि मैं जो अपनी गणित पढ़ाता हूँ उसको सिर्फ जोड़ बाकी करने तक या सब्जी के भाव तक सीमित रखता हूँ या उसको विवेकशील चिंतन के जरिए के रूप में भी देखता हूँ। यदि विवेकशील चिंतन के जरिए के रूप में देखता हूँ तो फिर मुझे गणित के शिक्षण से संबंधित या गणित के ज्ञान की प्रकृति से संबंधित जो बाकी चीज़ें हैं वहाँ पर जाना पड़ेगा, उसके बारे में सोचना पड़ेगा, और वो पाठ्यक्रम में पूरी चीज़ें नहीं आ पाती हैं। तो पाठ्यचर्या और पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो इस सारी चीज़ को पूरे राष्ट्र के चिंतन से जोड़ती है, ये वहाँ आना जरूरी होगा। तो पर्सनली मुझे तो ऐसा लगता है कि शिक्षक को शिक्षक प्रशिक्षणों में इन तीनों दस्तावेजों पर काफी काम करना चाहिए, बल्कि बेहतर होगा यदि शिक्षक अपने राज्य की पाठ्यचर्या और पड़ोसी दो और राज्यों की पाठ्यचर्या का तुलनात्मक अध्ययन करें। तो ये NCF 2005 में एक बात काफी जोर देकर कही गई है कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, तो पहला सवाल तो ये कि इस बात का आशय क्या है कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, और दूसरा बात कि जब बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है तो ऐसी स्थिति में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए स्कूल में बच्चों के साथ काम करते हुए? तो बात है, वास्तव में आप एक सवाल नहीं पूछ रहे हो, सवालों का गुच्छा है, और ये मुझे लगता है कि 3-4 दिन बातचीत करने के लिए सफिशियंट है, लेकिन जितनी बात इस छोटी थोड़े समय में कर सकते हैं उतनी करने की कोशिश करते हैं। ये जुमला बहुत प्रसिद्ध है आजकल कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है, और इसके दर्जनों अर्थ लोग अलग अलग करते हैं। मैं मोटी मोटी ये बात कर सकता हूं कि इसको मैं कैसे समझता हूं, और कुछ हद तक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 कैसे समझता है, इसके अलावा भी इंटरप्रिटेशन है इसके। तो यदि उस तरह से हम देखना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हमें यह देखना पड़ेगा कि हम ज्ञान को किस नजरिए से देखते हैं। ये जो बच्चा चीज बना रहा है, अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है, ये ज्ञान क्या चक्कर है? और ये इंटरेस्टिंग बात है कि हमारे देश में जब ज्ञान के बारे में बात की जाती है तो बड़ी डर के बात की जाती है। तो पहली समस्या तो ये होती है कि हमने ज्ञान शब्द को इतना महिमा मंडित और इतना महान बना दिया है कि ऐसा लगता है कि
कुछ ही लोग ज्ञानी होते हैं, जैसे शंकराचार्य या सर्वपल्ली राधाकृष्णन या गांधी जी या टैगोर। तो मैं और छोटा मोटा आदमी या छोटा मोटा शिक्षक, वो तो उन्होंने जो ज्ञान का समुद्र रचा है उसमें से एक आध बूंद उठा ले तो बहुत है का मामला है। लेकिन भारत में भी फिलोसफी में जाएंगे आप तो ज्ञान को अलग ढंग से देखा जाता है, ऐसे नहीं देखा जाता है। उसमें यह है कि प्रत्येक व्यक्ति दुनिया की समझ के लिए अपने मन में जो भी अवधारणाओं के ढांचे बनाता है वो सबका सब ज्ञान है। और फिर वो शंकराचार्य भी बनाता है और गांव में काम करने वाला एक मजदूर भी बनाता है, तो दोनों के पास अपना ज्ञान उस अर्थ में है। ये एक अर्थ हुआ। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें दूसरी शर्त फिर ज्ञान की ये होती है कि ये जो ढांचे हमने बनाए हैं, ठीक है मैं अपने लिए कर बनाए हैं, मैंने सोच लिया दुनिया के बारे में, कुछ विचार बना लिए अपने मन में, उनको आपस में जोड़ लिया। हम उदाहरण लें तो हम इस प्रकार की बात कर सकते हैं कि गेहूं की खेती करने के लिए क्या क्या शर्तें चाहिए। तो अपने मन में मैंने गेहूं की अवधारणा बना ली, खेत की अवधारणा बना ली, खेती की अवधारणा बना ली। सर्दी में गेहूं ज्यादा पैदा होता है, उसके लिए पानी चाहिए, उसमें ये खाद, तो ये सब मैंने बना लिया और ये मेरा ज्ञान है। अब दो दिक्कतें हैं इसके साथ, अभी तक उससे पार पाएंगे तब जाके इसको हम ठीक से ज्ञान कह पाएंगे। पहली दिक्कत तो यह है कि मैंने अपने मन में जो कुछ भी सोच लिया, जो भी अवधारणाएं बना ली, उनके आपसी संबंध बना लिए, लेकिन दुनिया में जैसा करके देखता हूं तो प्रकृति में वैसा होता ही नहीं है। तो पहला तो मेरे ज्ञान को प्रकृति का टेस्ट पार करना होगा। मैं समझता हूं कि गेहूं नवंबर में बोने से बेहतर होता है, तो वो सचमुच में होना चाहिए कि जिसने जून में गेहूं बो दिया उसका गेहूं कम होना चाहिए मेरे से। तो पहली बात तो ये है कि उसको प्रकृति के साथ कुछ तालमेल होना पड़ेगा। मैं जानबूझ के प्रकृति के साथ एकदम उसको आबद्ध नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ तालमेल होना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि वही गेहूं के बारे में ज्ञान हम सब ने बना रखा है अलग अलग, तो हमको यदि बातचीत करनी है उस ज्ञान के बारे में या उस ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए सामूहिक रूप से कोई प्रयत्न करने है, तो हमें सबको एक दूसरे की बात समझ में आनी चाहिए। और जिस आधार पर हम किसी बात को सही या गलत मानते हैं वो आधार हम सबके कॉमन होने चाहिए। तो फिर ये दूसरी बात है कि उसमें जो लोग उस ज्ञान के क्षेत्र में जुटे हुए हैं उनका वो ज्ञान फिर धीरे धीरे सामूहिक होना पड़ेगा। ज्ञान को फिर कम से कम बहुत सरल ढंग से बात करें तो ये अधूरी है बातचीत, लेकिन जैसा मैंने कहता टाइम कम है, इसलिए कम से कम दो शर्तें तो पूरी करनी ही होंगी। यदि ज्ञान दुनिया के अनुभवों के बारे में है तो वो हमारे अनुभवों से मेल खाना चाहिए। अनुभवों की या तो व्याख्या करना चाहिए या अनुभवों को की भविष्यवाणी करना चाहिए या वर्णन करना चाहिए, और वो गलत करता है तो वो ज्ञान नहीं है। और दूसरी फिर बात यह है कि उस ज्ञान के क्षेत्र में जो और लोग हैं उनसे मेरी बातचीत होनी चाहिए और मुझे कहें वो कि ये इसको तुम सच क्यों मानते हो, तो मैं उसके कारण बता सकूं। पहले तो मैं उसका मतलब बता सकूं कि आप जिसको, यदि कोई भी आप अवधारणा लें खाद, तो आप मुझे पूछेंगे खाद होती क्या है, तो मुझे पता हो कि क्या होती है। फिर मैं ये दावा करता हूं कि ये खाद डालने से गेहूं ज्यादा होती है, तो आप मेरे से ये पूछ सकते हैं क्यों कह रहे हो ऐसा, क्या प्रमाण है तुम्हारे पास, तो फिर ज्ञान को प्रमाण चाहिए। तो ये दो चीजें जब होंगी तब वो ज्ञान बनेगा। अब जब अगली बात हम कहते हैं कि बच्चा अपना ज्ञान स्वयं बनाता है, तो एक तो इसमें मनोवैज्ञानिक सच्चाई है और एक इसमें मीमांसकीय समस्या है। मीमांसकीय मतलब एपिस्टेमोलॉजिकल या ज्ञान शास्त्रीय समस्या है, और उन दोनों की संगति बैठाने का जो काम है वो एक इम्पोर्टेंट काम है यदि हम इस बात पर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इसमें जो मनोवैज्ञानिक सच्चाई है वो ये है कि इंसानों के सारी अवधारणाएं उनके अपने अनुभव के आधार पर बनती हैं। तो यदि आप एक ग्लास की अवधारणा बना रहे हैं, तो जब तक आप ग्लास देखेंगे नहीं या आपके अनुभव में नहीं आया है, यदि ये मूल अवधारणा है,
सारी अवधारणाएं मूल नहीं होती, तो बनाना बहुत मुश्किल है। यदि आपने कभी क्लास देखा भी नहीं है तो भी कम से कम कुछ ना कुछ अनुभव आपके ऐसे रहे हैं जिसमें कोई पात्र है, उसमें कुछ डालने का काम है, उसको कुछ उपयोग में लेने का काम है, तब मैं कह सकता हूं। मान लीजिए कि आपने कटोरी देखी है, तो मैं ये कह सकता हूं अच्छा कटोरी तो देखी है तुमने, हाँ मोटा मोटा। अब यदि कटोरी को शीशे का बना दें और उसको इतना चौड़ा नहीं करके लंबा कर दें, तो मैं चित्र वगैरह खींच के बता सकता हूं कि ऐसा जो पात्र होता है जिसमें इस तरह से काम में लेते हैं वो ग्लास है। लेकिन इसके मूल में आखिर में आपका अनुभव रहेगा कहीं। और दूसरी बात यह है कि ये अवधारणा आपके लिए मैं नहीं बना सकता, मैं मदद कर सकता हूं, कोई भी दूसरा व्यक्ति मदद कर सकता है, अनुभव दिखा सकता है, बातचीत कर सकता है, सवाल पूछ सकता है, संकेत दे सकता है, लेकिन अंततः तो आपका ही दिमाग काम करेगा और वही बनाएगा। इसलिए एक संभावना यह है कि हमारे सबके मन में जितनी भी हम कॉमन अवधारणाएं काम में लेते हैं, चाहे वो इतनी कॉमन हो जैसे गाय या ग्लास, या इतनी एब्स्ट्रैक्ट हो जैसे राज्य या प्रेम या भगवान, उसमें कुछ चीजें तो सामान्य होती हैं और कुछ चीजें हमारी नितांत व्यक्तिगत अपने ही दिमाग में होती है। दोनों प्रकार की चीजें उसमें एक साथ होती है। सो इस दृष्टि से आप अच्छा, और ज्ञान क्या है फिर? अवधारणा ज्ञान का आप मोटे तौर पर कह सकते हैं ज्ञान का सबसे छोटा टुकड़ा है। अब जब आप अवधारणाओं को आपस में जोड़ते हैं तो वो ज्ञान बनता है। मतलब अकेला ग्लास की अवधारणा बनने से ज्ञान नहीं बना। जब आप ये कहेंगे कि शीशे के ग्लास को पत्थर पर पटक दो तो टूट जाएगा, तो अब इसमें शीशा, ग्लास, पत्थर पटकना और टूटना, आपने इन सब में एक संबंध बनाया और एक तरह से आप एक अनुभव की भविष्यवाणी कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि अब इसको मैं पटकूंगा तो क्या होगा, गिरेगा टूटेगा, यहां तो नहीं गिरेगा टूटेगा, लेकिन मैं थोड़ा ऊपर से और पत्थर पर गिराऊंगा तो टूट जाएगा। सो लेकिन ये भी भविष्यवाणी है, ठीक है, बात सही गलत की नहीं है। जैसे आपने एक भविष्यवाणी कर दी तो अब आपने जो संबंध बनाया है वो ग्लास शीशा वगैरह तो वही है, पटकना तो वही है, लेकिन एक तो दूरी और दूसरी नीचे कितनी सॉफ्ट चीज है और आपने अंदाजा लगाया है। ये जो सारी अब इसका मतलब ये हुआ कि अवधारणाओं के बीच में आपस में जो संबंध की संरचनाएं, संबंधों की संरचनाएं हम अपने दिमाग में बनाते हैं, वो ज्ञान है। तो ये संरचनाओं में संरचनाएं बनाना भी मैं करता हूं और अवधारणाएं भी मैं बनाता हूं, कोई दूसरा नहीं कर सकता। लेकिन अब दोबारा से पलट के आइए कि वो जो पहली दो शर्तें थी हमारी वो इस पर नहीं लगेंगी। ये ग्लास मैं छोड़ूं और ऊपर चला जाए तो आपका ज्ञान बहुत दूर नहीं जाएगा, और हम में से कोई आपकी बात समझता नहीं है और आप क्यों कह रहे हैं ये इसके पक्ष में कुछ न कह सके, तो भी हम आपको ज्ञानी मानने को तैयार नहीं होंगे। तो ये दो शर्तें और चाहिए। आप जो पहली बात थी वो मनोवैज्ञानिक थी, अवधारणा बनाना और उनमें संरचना बनाना, ये व्यक्ति अपने अनुभव के आधार पर स्वयं ही कर सकता है और कोई दूसरा व्यक्ति उसके दिमाग में जाके ये नहीं डाल सकता। तो इस दृष्टि से बच्चा अपना संपूर्ण ज्ञान स्वयं बनाता है। लेकिन ये जो दो बाद की शर्तें आ गई, यहां पर दूसरों का रोल उसमें आ गया। एक तो उसके अनुभवों की भूमिका, जिस दुनिया में वो रहता है वो बार बार उसके ज्ञान को तराशेगी, और दूसरी वो जब दूसरों से बातचीत करेगा तो उसको ऐसी भाषा में और ऐसी आधारों पे बात करनी पड़ेगी कि दूसरे समझें और स्वीकार करें। तो ये दूसरी बात है। अब यदि हम इस सारी ये उसका जो मैं कह रहा था मीमांसकीय या ज्ञान शास्त्रीय एपिस्टेमोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो जब लोग एक बात करते हैं कि सारा का सारा ज्ञान बच्चा स्वयं ही बनाता है और एपिस्टेमोलॉजी को भूल जाते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी गड़बड़ कर रहे होते हैं। और यदि हम सब अपना ही अपना ज्ञान लेके घूमते रहेंगे तो वो एक तरह से टावर ऑफ बेबल हो जाएगा, मतलब जिसमें हम कुछ बोलेंगे एक दूसरा और कोई नहीं समझेगा।